तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों की बार बार डिमांड थी कि हमको अंतिम पेपर और अंतिम तो आप ओरिजिनल प्रश्न पत्र दे दो। तो चलिए यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है तो केरल, इनमें से रबी की फसल है चना। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है तो मछली पकड़ना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1915 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? लोकतंत्र का जो रूप है ना वो बेहतर है। भारत में खनिज तेल आयात वस्तुएं तो प्रमुखतम आयात वस्तु खनिज तेल। प्रति व्यक्ति आय, प्रति आय कपास जो है नए युग का प्रतीक है, नए युग का प्रतीक है। अगला है सड़क जाल जो है लगभग भारत में कितना फैला है? तो सड़क जाल फैला हुआ है 56 लाख किलोमीटर, लगभग कितना? 56 लाख किलोमीटर। भूमिगत जल इसका उदाहरण है, तो भूमिगत जल है नवीकरणीय साधन का उदाहरण, नवीकरणीय। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, यूरोप का छोटा सा देश है। 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। चाय, ध्यान देना, चाय जो है इसका मिलाना जाएगा आपका असम। बर्न का जाएगा यंग यूरोप। कांडला का जाएगा गुजरात। नेपोलियन की हार 1815। और कपास सबसे ज्यादा उगाया जाता है महाराष्ट्र, और महामंदी का जो दौर था वो था 1929। अगला देखिए, लॉर्ड बायरन कौन था? लॉर्ड बायरन थे अंग्रेज कवि। बेल्जियम की राजधानी है तो ब्रुसेल्स है। कौन सी राजधानी उसकी? ब्रुसेल्स। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है तृतीय क्षेत्र का। मानस बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? मानस बाघ रिजर्व है असम में। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र बना? श्रीलंका जो है वो 1948 में स्वतंत्र बना था, यह स्वतंत्र हुआ। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा? बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, ठीक है। अगला देखिए, औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। जो औसत आय है उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है क्या? तो ये भैया राष्ट्रीय आय जो है इसे तो प्रति व्यक्ति आय कहते हैं अपन औसत आय को, तो ये बात आपकी हो गई है गलत। 1913 से 1918 के बीच कीमतें आपकी अधिक हुई थी? नहीं, ये महामंदी का दौर इसमें शुरू हो गया था, तो यहां पर भैयू असत्य बात है ये। तो सेवा क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस और टिस्को है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है, बिल्कुल राइट बात है, ये तो सत्य आपका है। चौथा जो है सार्वजनिक क्षेत्र,
के उद्योग जैसे रिलायंस और टिस्को है तो ये आपका असत्य रहेगा। क्यों? क्योंकि ये है निजी क्षेत्र। कृषि अर्थव्यवस्था को चार भागों में बांटा जाता है। तो कृषि की अर्थव्यवस्था, किसी भी अर्थव्यवस्था उसको तीन भागों में बांटा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो यहाँ पर ये बात आपकी सत्य होने वाली है। अब देखो, स्पष्ट कीजिए कि कृषि तथा उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को लाभ हुआ? पंचांग से क्या आशय है? वेलम क्या है? गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण क्रांति में इसका योगदान बताना है। संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? तीन राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाएगी? बांगर क्या है? भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? रबी तथा खरीफ की फसलों के नाम आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद में है आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में एक उदाहरण देना है। यहाँ से आप देख सकते क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। ये क्वेश्चन आपको करके जाना है एग्जाम में जाने से पहले। वैसे हर जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं, लेकिन कोशिश है मेरी कि ऐसे प्रश्न बताऊं कि जो आपके एग्जाम में फंसे। मैथ्स का तो पूरे फंसा था बेटा, आप जरूर जरूर देख लो, मिलान कर लो, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, अंत में भी मिलान कर लो, दोनों पेपरों का पूरा ही आया था। सोशल साइंस में थोड़े से कम चांस रहते बेटा, क्योंकि इसमें से बुक के अंदर से बनते हैं। तो हाँ हाँ, एनुअल एग्जाम के लिए 100% गारंटी लूँगा। 6 मॉडल पेपर है, यदि आप 3 दिन में भी एक मॉडल पेपर करोगे, 4 दिन में भी करोगे, तो 6×24 यानी एक महीना जानता जानता एक महीने में अपन पूरे मॉडल पेपर कंप्लीट कर लेंगे। तो जरूर चैनल के साथ जुड़ेगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो ये मैंने आपको क्लास 10th के लिए एक पेपर बता दिया है, इसके बाद में एक पेपर और सॉल्व कराऊंगा, उसका प्रश्न मिलान कर लेना। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न अलग है वो